सो हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और आज मैं फिर से शादी में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं शादी का ही ब्लॉग एक्चुअली रोज़ बना रहा हूँ, तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे, बट कोई नहीं। और देखो, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं कि भैया रुक जाओ घर पे, क्या करेंगे, ये पबजी खिलाते हैं यार। मैं पबजी खा देता हूँ। रात को आएंगे तो वो बिछाना पड़ेगा बिस्तर। हाँ, तो बिस्तर तो बिछा के रखना पड़ेगा। नहीं, रात नहीं हम लोग आएंगे, तुम लोग बिस्तर बिछाओ। तो हाँ, रोज शादी का ब्लॉग दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, जब वही है अपने पास कंटेंट, तो वही दिखाएंगे। हम लोग जा रहे हैं। तो हाँ ठीक है, अभी चलो रेडी वेडी होते हैं और छोटी को नहीं जाने, फेस के पिंपल्स यार, मैं हमेशा ये दिखाता हूँ, तो चलो। हाँ बोलो, छोटी को नहीं जाने, बड़े को ला रहे हैं। जो बड़े लोगों का सर्कल है ना, वो जा रहा है, जो छोटे लोगों का सर्कल वो नहीं जा रहा है, तो ठीक है हटाओ। तो गाइस इसको बेच ना, चलो चलते हैं, अभी चलते हैं, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं। पिस्तौल का टीम नहीं जा रहा है, M4 का टीम जा रहा है गाइस, लेकिन पनीर आ रहा है। पबजी नहीं चल रहा है, शांत हो जा, ठीक है। तो हाँ, मतलब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो बहुत बहुत हम लोग एकदम समझ लो कि अपना ही घर है, ठीक है। तो सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे और ये लोग घर पे रहेंगे, इस वजह से इन लोग के लिए भी पनीर मंगवाया गया घर पे। हाँ, तो अभी हम लोग चलो रेडी हो जाते हैं और रेडी होके फिर चलेंगे। सो गाइस, अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और हाँ, मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा है, देख लो। हाँ, ऐसे ही लग रहा हूँ और ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी हैं। एक मिनट, जाने के लिए सभी लोग रेडी, ये लोग तो जा नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चे, बट वो देखो, वो गुड्डी भी नहीं जा रही है, विवेक तैयार है और अभिषेक भी तैयार हैं और भैया तैयार हैं, चाचा भी तैयार हैं, तो इतने सारे लोग तैयार हैं, तो हाँ बढ़िया है, चलो चलते हैं फिर। तो मस्त, अभी सब एक बाइक निकल चुकी है और एक बाइक पे हम सब हैं, ये देखो दो यशवी हैं और दो हमें, तो हाँ मतलब देखो अभी सब रेडी रेडी आराम, बाय। और ये अगर कोई लोग कुछ भूल गए हैं तो अभी उसके लिए रुके हैं। सो हे गाइस, अभी मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया है और हाँ, एक चीज़ ये कि मतलब एक साथ हम लोग इतने सारे लोग कभी एक बारात में नहीं गए, एक शादी में कभी नहीं गए इतने सारे लोग एक साथ में, तो आज पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि चलो इतने सारे लोग हैं अपने घर के, तो मज़ा आएगा। सो गाइस, अभी मस्त एक जैम रोड में फंस गए हैं और लिटरली बता रहा हूँ, इस रोड पे मेरे गांव में बगल में ही है, इस रोड पे मैंने पहली बार लाइफ में पहली बार इतना ट्रैफिक यहाँ पे तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। देखा ना, जब कहा था आगे ले लो तब होशियार बन रहे थे। अरे भैया आगे भी है। तो हाँ ठीक है, अभी चलते हैं, देखते हैं कितने सालों में पहुँचते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखे कुछ पैसे और फिर दिखे कुछ ट्रक्स और फिर कुछ दुकानें, वैसे दिखने को तो हमें बहुत कुछ दिखते हैं, लेकिन हम ऐसे देख देख के एक्सप्लोर करके, एक्सप्लोर नहीं करते, उन्हें देखते हैं जैसे देखते हैं मज़ा आता है। और फिर दिखे हमें ये कुछ नदियाँ, कुछ नहीं मतलब ये नदियाँ, और वहाँ पर एक बोट भी है जो कि चंदन जैसा बोट है, एकदम गजब बेइज्जती है। फिर हमें दिखे ऐसे ब्रिज जिन पर हम चल रहे थे, आप यकीन नहीं करोगे, हम उन पर गाड़ियाँ भगा रहे थे उड़ाने की जगह। अबे साले, तो फाइनली हमें वो चीज़ लास्ट में देखने को मिला जिसके लिए बीच में बहुत हाइप क्रिएट हुआ था, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था, ये जेसीबी। इसे देखने के लिए ना आम तो इंडिया में तो ऐसा है ट्रेंड चला था ना कि इसे देखने के लिए लोग अपना जॉब तक एक दिन छुट्टी ले लेते थे, हॉलीडे लेके सिर्फ जेसीबी की खुदाई देखते थे। आए आए, बस करो। फिर हमें हमारे आसपास ऐसा देखने को मिला जो बताने लायक नहीं था, मतलब कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं बताने लायक। फिर हम एंटर करने लगे जोगिया में, जो कि नौगढ़ के पास है, तो हमें यहीं से घूमना उमना है, तो बस अभी का मिनी ब्लॉग यहीं पे बंद करते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद अभिषेक भैया को ऐसा जोश चढ़ा जो वो कबीर सिंह जैसे अपने बाइक को भगाने लगे, जैसे लाइक कबीर सिंह। सो गाइस, अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखो दीदी लोग पहले से मौजूद थी, ये देखो गाइस, यहाँ पर अभी फोटोशूट हो रहा था और फोटोशूट कम्प्लीट हो चुका है, तो हाँ देखो बढ़िया लग रहा है। वो देखो, वो लोग अलग फोटो वोटो खिंचा रही है अपना, ये देखो आईफोन वाले लोग, भाई साहब आईफोन वाले लोग, अपन लोग तो रेडमी नोट 9 में घूम रहे हैं, और ये भी देखो फोटो शूट कर रहा है बढ़िया वाला एकदम। फोटो किसी भी फोटोज में नहीं था ना, इसलिए ज़बरदस्ती बोल रहा है फोटो खिंचवाने को, तो भैया खड़े हो रहे हैं ज़बरदस्ती कि हाँ चलो ठीक है, आ जाओ जो किसी फोटो में तो आ जाओ। देखो ये लोग अपना फुल मेकअप वेकअप करके रखी हैं और यहाँ पर कुछ और दीदी लोग हैं, और ये देखो ये दीदी लोग हैं, और दीदी घर पे कैसे दिखती हैं, यहाँ पे कैसे दिख रही हैं। Emotional damage. So, hey guys, अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम सब आए थे 12-13 तो आ चुके हैं, नहीं मतलब घर पे थे जब मैंने लड़कियों का दिखाया था, मतलब जो मेरी सिस्टर्स थी उनका दिखाया था मैंने, तो उसके बाद हम सब चले आए थे बारात में, तो बारात में मस्त थोड़ा बहुत डांस किया, थोड़ा बहुत आता तो नहीं, ऐसे ही नाच दिया, और
मैंने और अभिषेक भैया ने नाचा, इसने नहीं नाचा, बाकी वहाँ पे शोर हो रहा है, इधर आओ थोड़ा। तो हाँ, और देखो हालत वालत तो ख़राब हो चुका है, नींद आ रही है बहुत तेज, तो हाँ नींद आ रही है। तो बस ये है कि चाहते हैं कि जल्दी से घर चले जाएँ और सो जाएँ, क्योंकि तो नींद आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, नींद आ रही है। हाँ तो खाना ना खा लिया है, बस अब थोड़ा बहुत देखते हैं जो भी रस्म वस्म होता है, उसके बाद चलेंगे घर पे चलेंगे, मतलब घर पे वहाँ नहीं जहाँ से आए थे वहाँ से, तो अपने घर पे पता नहीं कब जाएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो बस अभी तो जो चल रहा है देखते हैं क्या चलेगा, मतलब ये है कि ये हो जाए और फिर उसके बाद चलना है कहीं ना कहीं, मतलब घर पे चलेंगे कहीं ना कहीं, घर पे चलेंगे। सो गाइस अभी मस्त हम लोग बारात वारात से तो आ चुके हैं और नाश्ता वास्ता भी कर लिया है, और हाँ यहाँ पे ब्रश की दिक्कत थी, बट हम सब ने ब्रश खरीद लिया था और टूथपेस्ट तो था ही, तो ब्रश करके रख दिया। और बस कुछ नहीं, ये है कि अब सब लोग बात कर रहे हैं अपने में, सर डिस्कशन वस्कशन हो रहा है, कुछ भैया वही अपना बात बात कर रहे हैं फूआ हुआ लोग से और बुआ हुआ लोग से। तो हाँ ठीक है, हम लोग अभी कुछ टाइम में निकलने वाले घर के लिए, तो इसके बाद मैं घर का ही ब्लॉग दिखाऊँगा इसके, और हाँ मतलब इसके बाद ब्लॉग को एंड कर दूंगा, क्योंकि अब तो और कोई काम बचा नहीं है, और करता रहता हूँ। तो बस ठीक है, चलो फिर नीचे चलते हैं और तब तक के लिए बंद करते थोड़ा। सो हे गाइस अभी घर पहुँच चुका हूँ और ये अगले दिन का ब्लॉग है, मतलब नहीं मतलब मैं घर पे पहुँच गया था तो मैंने सोचा कि उस दिन का वीडियो भी अब एडिट कर लूँगा 9 तारीख वाला, क्योंकि उस दिन का भी मैंने एडिट नहीं किया था तो अपलोड कैसे करता, ठीक है। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं, रात के 8 बोल लो, शाम के 8 बोल लो, ठीक है। तो हाँ मैंने वीडियो दोनों अपलोड एडिट कर लिए हैं, बस कल एक अपलोड कर दूंगा, उसके बाद कुछ दिन बाद दूसरा अपलोड कर दूंगा। तो हाँ आई होप आपको आज का ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया। एक्चुअली ना मैं बहुत तेज़ बोल रहा था वीडियो में, कहीं भी मैंने देखा तो वो चीज़ मैंने नोटिस की है, वो इसलिए था ना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कितना लेवल पर बोलूँ तो जाके वीडियो परफेक्ट बनेगा, तो आगे से मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। तो हाँ बस यही बताना था, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।